हाउ यू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म, किस तरह से फिल्म का हिस्सा बने? मैं हमने 3-4 साल पहले लिखी थी स्क्रिप्ट और हमने शेयर किया करण और फैंटम के साथ और उनको ये स्क्रिप्ट बहुत पसंद आया और व्हेन दे इनकरेज्ड अस ऑन द स्क्रिप्ट वी जस्ट वेंट फॉरवर्ड एंड फिल्म ऐसे बनती गई। ओके, कितना मुश्किल और आसान था फिल्म के लिए अप्रोच करने का? बहुत बहुत से काम कर रहे थे और क्या किस तरह से कन्विंस हुए फैंटम की बात करी जाए, करण की बात करी जाए, कि बहुत मुश्किल होता है किसी प्रोड्यूसर को फिल्म के लिए कन्विंस करना? मैं काफ़ी सालों से एडवर्टाइजिंग कमर्शियल्स डायरेक्ट कर रहा था और करण को मैं डायरेक्ट कर चुका था नेस्कैफे कमर्शियल के लिए और तो वो मुझे पहले से जानते थे। अनुराग को मैं बहुत कुछ 15 साल पहले से जानता हूँ, जब से मैं स्टूडेंट था तब से वो उनको जानता था, तो बहुत दोनों मेरे काम से बहुत फेमिलियर थे उनको और उन्होंने हमेशा कहा था कि कभी फिल्म बनाओ तो हमारे साथ बनाना, तो पहले से उनके साथ मैं एक रिलेशनशिप था मेरा और जब ये स्क्रिप्ट लिखा और शेयर किया तो उनको बहुत पसंद आया, तो उस हिसाब से इतना स्ट्रगल करना नहीं पड़ा क्योंकि पहले से ही जान पहचान हो गई थी उनको, हम दोनों में एक ऑलमोस्ट दोस्ती थी, तो उसका बस यही था कि हमने लिखा स्क्रिप्ट और दिखाया तो उनको पसंद आया और हम आगे बढ़े। ओके, हंसी तो खुशी की अगर बात करी जाए किस तरह की ये फिल्म बहुत हंसाएगी आपको और थोड़ा बहुत इमोशन भी है फिल्म में, प्रोमोज देख के ऐसे लगता है कि उस बस मस्ती मजाक ज़्यादा है बट एक्चुअली फिल्म में बहुत इमोशन भी है, एक डेप्थ एक स्टोरी है, तो आई थिंक लोगों को बहुत हंसी भी आएगा और जब निकलेंगे थिएटर से तो थोड़ा बहुत एक इमोशन भी फील करेंगे, कैरेक्टर्स आपके साथ रहेंगे क्योंकि बहुत ही फ्रेश और यूनिक कैरेक्टर्स हैं ये सब आपके साथ रहेंगे और अगले दिन भी शायद आप उनके बारे में सोचेंगे और मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी लोग ऐसे एक और बार भी देखना चाहेंगे फिल्म को। जब हमने लिखा था तो ये कैरेक्टर हमने परिणीति के बारे में सोचा था कि शी वाज सीम लाइक अ परफेक्ट मिक्स फॉर दिस कैरेक्टर, परफेक्ट फिट फॉर द कैरेक्टर, जो एक एनर्जी चाहिए था, जो एक्टिंग एबिलिटी चाहिए थी, जो सेंस ऑफ कॉमिक टाइमिंग चाहिए था, ये सब परिणीति में बहुत ज़्यादा था। मैंने रिकी बेल उस टाइम पर देखा था, मैं बहुत इंप्रेस हुआ था, तो मुझे लगा था कि ये जो किरदार है इसमें जो एनर्जी कॉमिक टाइमिंग और फ्रेशनेस जो है वो परिणीति में काफ़ी है और हमेशा हम चाहते थे कि परिणीति ये रोल करे। सिद्धार्थ को मैं एक्चुअली जब परिणीति फिक्स हो गई थी तो सिद्धार्थ को करण ने सजेस्ट किया था कि व्हाई डोंट यू ट्राई हिम, तो थोड़ा पहले कन्फ्यूजन था कि उनको मैंने स्टूडेंट ऑफ द ईयर में देखा था, थोड़ा अलग टाइप के किरदारों ने प्ले किया था और जो मेरा कैरेक्टर था निखिल का बहुत ही मिडिल क्लास नॉर्मल और ईजी गोइंग कैरेक्टर था, इतना ग्लैमरस नहीं था, तो थोड़ा मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन था कि हो सकता है कि नहीं, पर जब मैं मिला उनसे और उनसे बातचीत हुई तो आई रियलाइज़ कि काफ़ी इंटरेस्टेड थे वो भी अपना एक इमेज बदलने में, कुछ अच्छा एक्टिंग करने में, कुछ अलग सा रोल करने में, हम दोनों को काफ़ी कॉमन इंटरेस्ट था कि कुछ अलग सा और नया करें, तो और उनका भी कॉमिक टाइमिंग बहुत अच्छा लगा मेरे को, तो फिर ही वॉज आई वॉज रियली हैप्पी एंड वी डिसाइडेड ऑन सिद्धार्थ।